आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। राजमहल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले पर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश, मुख्य सड़क को घंटों किया जाम। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल थाना क्षेत्र के नौगछी नवाब डेरी गांव में बीते संध्या एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही दूसरे समुदाय के 3 से 4 युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त मामले को लेकर मंगलवार को गांव के ही ग्रामीणों द्वारा राजमहल मंगलहट मुख्य सड़क को जाम कर घंटों विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही राजमहल थाना प्रभारी चरणजीत प्रसाद अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर ग्रामीणों के मन में आक्रोश को देख थाना प्रभारी श्री प्रसाद ने उक्त घटना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दी। मामले की जानकारी मिलते ही साहिबगंज उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। वहीं आज इस घटना से पनपते भीड़ ने सरकार द्वारा वैश्विक संक्रमित महामारी कोरोना से सुरक्षा पाने को लेकर जारी किए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों द्वारा अवहेलना करते देखा गया। वहीं ग्रामीणों के कहे मुताबिक इस मामले में संलिप्त शाहनवाज हुसैन 22 वर्षीय, सोनू शेख नामक 2 युवक को हिरासत में लेते हुए अन्य 2 अज्ञात व्यक्ति की खोजबीन कर रही है। राजमहल साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। जो प्रशासन है वो अपना काम कर रही है। आप लोगों को पता है कि बच्चे एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है, दूसरी की भी पुलिस छानबीन कर रही है और जैसे जैसे मामले की छानबीन की जाएगी और आगे जिनका भी नाम आएगा, जो भी आरोपी आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और प्रशासन और कानून जो है वो अपना काम करेगा और जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप लोगों से हम लोगों की यही अपील है कि शांति और सौहार्द जो है समाज में उसको बना करके रखें। मामले को लेकर अभी तहकीकात की जा रही है और जो फरदान हुआ है जिसके बारे में बताया जा रहा है उसमें से एक लोग को हम लोगों ने डिटेन किया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एहतियातन तौर पर यहाँ बाल की प्रतिनिधि की गई है, स्थिति अभी नियंत्रण में है।